तो देखा आपने कि मोदी ने वो कमाल करके दिखाया है जो देश के चार चार पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। आपको यह भी बताएं कि विपक्ष जिस तरीके की बातें कह रहा है, कुछ उसी तरीके की बातें उमा भारती ने भी कही है जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर उमा भारती ने जो कुछ भी कहा उसे अगर शिवराज सिंह चौहान भी सुनेंगे या देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। एक तरफ मोदी का महिला आरक्षण कार्ड तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज की लाडली बहना स्कीम, पार्टी की कोशिश इन दोनों महिला कार्ड के जरिए प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। बाकायदा दिल्ली से लेकर भोपाल तक इस कार्ड को ट्रंप कार्ड बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की कई पार्टियां ओबीसी का मुद्दा उठाकर बीजेपी नेतृत्व को घेर रही, उसी तर्ज पर अब बीजेपी के अंदर से भी आवाज उमा भारती उठा रही है। यानी अब उमा भारती ने नया तीर छोड़ा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रिजेश राजपूत के साथ बातचीत में उमा भारती ने मांग रखी कि महिला आरक्षण जब लागू होना होगा तब होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में बिना आरक्षण के ही बीजेपी महिलाओं को टिकट देकर मैदान में उतारे, क्योंकि शिवराज जी नए इनिशिएटिव ले ही रहे हैं महिलाओं के हित में। तो बिना आरक्षण घोषित किए भी जो उनने पब्लिक में कई बार भाषण में कहा कि मैं 50% हिस्सेदारी महिलाओं को देना चाहता हूं, तो मौका आ गया। अब जो सीटें हैं 230 उसमें से 115 सीटें महिलाओं को दे दी जाएं और 115 में से ST SC का अनुपात निकाल के OBC को भी दे दी जाएं और आरक्षित करने की जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कुल 32 महिला जीती थी, इनमें बीजेपी की तरफ से 24, कांग्रेस की 6, BSP की 2 और 1 मनोनीत विधायक महिला भी शामिल है। फिलहाल पार्टी 39 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है जिसमें सिर्फ 4 महिलाएं हैं। और बात सिर्फ महिला उम्मीदवारों तक नहीं है, उमा भारती महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए भी सीटें सुरक्षित करने की मांग कर रही है और यही मांग कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों ने भी की है। तो कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात और शामिल हो जाती बढ़िया रहता, उमा भारती खुद इस बात को कह रही हैं। ब्रिजेश जी, इसके बारे में माननीय अमित शाह जी ने जितना भी डिस्कशन लोकसभा के अंदर हुआ इसमें बहुत स्पष्ट है, सेंसस और आगामी आने वाला डिलिमिटेशन। तो इसलिए संवैधानिक दायरे में ये सरकार का काम वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आना था और ये बिल पारित हुआ, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में जो कमेटी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व के द्वारा बनी हुई जो कमेटी है वो इन चीजों को देख करके कि कहाँ रिजर्वेशन, कौन सी सीट कहाँ रिजर्व होगी, क्या होगा और सेंसस और डिलिमिटेशन के आधार पर, इसलिए इसमें संविधान के दायरे में जो चीजें वो ही होंगी। राज्य की राजनीति में जातियों का गणित देखें तो हिंदू वोटर्स में 43% ओबीसी है, दलितों की संख्या 17% है, आदिवासी वोटर 21% है और सवर्णों की संख्या 19% है। उमा भारती पार्टी लाइन से अलग बोलने के लिए पहले से जानी जाती हैं, लेकिन इस बार मामला संजीदा इसलिए है क्योंकि चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है और ऐसे सियासी माहौल में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता का विपक्ष की तर्ज पर बोलना बीजेपी को ही परेशान कर सकता है। भोपाल से ब्रिजेश राजपूत की रिपोर्ट। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।